थैंक यू नाडो वर्सेस मूवी ये बोलने के लिए, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नमोर ब्लैक एडम से अच्छा एंटी हीरो है। तो समझो इस बात को, नमोर ब्लैक एडम से अच्छा क्यों फील होता है, क्योंकि उसके पास लड़ने का एक रीजन है। वो अपने लोगों को सैकड़ों सालों से प्रोटेक्ट कर रहा है, जिनके लिए वो जान लेने और देने के लिए तैयार है। वहीं ब्लैक एडम थोड़ा सा जेनेरिक क्यों फील होता है, क्योंकि वो बस अपने लोगों को बचाना चाहता है, जो कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना है, जिसे आज के टाइम पे कनेक्शन बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अभी दोपहर में तुम पैदा हुए हो, थोड़ी सी नई दुनियादारी के बारे में समझ जाते तो क्या तकलीफ होती। ये बांडिया वाला काम नहीं ना चलता कि हम हैं, हम हमारे पास सुपर पावर है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। एंड एक और बात है कि देयर इज अ रूम जहां नेमर गलत भी है और हारने की पॉसिबिलिटी भी उसकी बनी रहती है। वहीं ब्लैक एडम ना, आई मीन इटर्नियम उसकी भाई कमजोरी है, लेकिन भाई बंदे को देख के लगता नहीं है कि भाई वो हार सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट याद है ना तुमको। कहने का मतलब यही है कि कोई भी किसी चीज के लिए इतनी बुरी तरीके से तब लड़ता है जब उसके पास खोने के लिए डर हो।